बरेला मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने डेंगू मलेरिया व कोरोना जैसी व्याप्त महामारियों से बचाव हेतु अपने क्षेत्र में किया सर्वे। बरेला ईएमओ श्रीमती प्रियंका झारिया ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में व्याप्त महामारियों से बचाव हेतु उनकी टीम के द्वारा बरेला अंतर्गत 15 वार्डों में दवाइयों का छिड़काव लगातार करवाया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग फॉग, सॉल्यूशन फॉग भी प्रत्येक वार्ड में रेगुलर करवाया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर भी हमारे द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कचरे को कंपोस्ट करने हेतु भी लोगों को गाइडलाइन दी जा रही है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे बरेला क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और आगामी त्योहारों और पर्वों को लेकर भी हमारी टीम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क वेयरिंग हेतु सभी को जागरूक किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। एमपीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ कैमरामैन शिवानी बेन की रिपोर्ट। वैक्सीन लगना था मैम, तो प्रथम चरण में आप यहाँ चुकी 100 आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉस किया है, 100% हो चुका है। द्वितीय चरण का जो वैक्सीन लगना है तो उसका भी क्या तैयारी है, किस स्तर पर पहुँचा अभी मैम? और बच्चों का जो अभी सुनने में है कि बच्चों का भी वैक्सीन लगने का है, इसमें क्या तैयारी है आपकी? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे सदस्यों टीम को जानकारी दी है। कचरे का पृथकीकरण के लिए जागरूकता अभियान किया है जिसमें हमने वार्डों में घर घर जाके घर को कचरे को डोर स्टेप पे कैसे अलग अलग करना है, कूड़ा कचरा सुबह कचरा बायोमेडिकल वेस्ट और कंपोस्टिंग कैसे करनी है, ये व्यक्तिगत तौर पर सभी महिलाओं को समझाया है, जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमने जो सार्वजनिक शौचालय हैं वहाँ पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है और ये स्वच्छता अभियान निरंतर नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा है एवं आगे भी चलाया। और मैडम इस समय कोरोना काल की जो तीसरी लहर की जो पहल बताया जा रहा था करके, तो आपके क्षेत्र में आपके एरिया में ये सोशल डिस्टेंस और मास्क का किस तरह से पालन किया जा रहा है और पूरे वार्ड में स्तर में इसकी कोरोना की क्या स्थिति है मैम? वार्ड अभी वर्तमान में कोविड की स्थिति बरेला में अभी कोई भी करंट केसेस कोविड का नहीं है, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज बहुत पहले ही कम्प्लीट कर लिया था, हमारा अचीवमेंट हो चुका था। उसके साथ ही अभी हम रेगुलर की दवाइयों का छिड़काव निरंतर तौर पर कर रहे हैं, जिसमें मलेरिया वाइल ब्लीचिंग सोल्यूशन फॉग सोल्यूशन प्रत्येक वार्ड में इसका छिड़काव निरंतरता से हो रहा है और जिसमें हर वार्ड का जो नंबर है प्रोबेशन से आता है, हम किसी भी वार्ड को छिड़काव से वंचित किया जाता है, जिस कारण से हमें किसी भी प्रकार की कोई गंभीर शिकायतें नहीं प्राप्त हुई कि डेंगू और मलेरिया के ऐसे केसेस सामने आए हैं और ये छिड़काव नगर परिषद लगातार करते हुए। मैडम आपकी ये जो हमारे 75वां राष्ट्रपिता हमारे देश के महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर जो हमारे नगर पालिका नगर निगम स्वच्छता अभियान और भी कई योजनाओं का जो कार्यक्रम करा रहे हैं, तो मैडम आपके बरेला क्षेत्र में इसको लेके क्या पहल की जा रहा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में जैसा कि हमने शुरुआत जो वृक्षारोपण से की थी, इसमें हमने विभिन्न क्षेत्र विभिन्न जगहों में